क्या सेक्शन 9 करने से 498 केस यानी डोरी केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस में बेनिफिट मिलेगा पति को? ये एक वो होगा अंधभक्त वाला काम, भक्त बनो लेकिन अंधे मत बनो, ठीक है ना। हर कोई सेक्शन 9। भैया पहले ये तो चीज़ समझ लीजिए आप, सेक्शन 9 होता है वो एक सिविल केस होता है, और 498 केस होता है वो क्रिमिनल केस होता है। भैया आप ये सोच रहे कि मैं सेक्शन 9 कर दूंगा तो मैं 498 से बच जाऊंगा, फिर भी नहीं रोक पाओगे आप। तो फिर भी आपको सेक्शन 9 करोगे तो भी 498 आपकी पत्नी करेगी। सेक्शन 9 हो गया वो आप लाने के लिए बुला रहे हो उसे, लेकिन 498 केस है ना, और DV केस है, क्रिमिनल केस होते हैं। वह उसकी घटना बता रही, जो हरासमेंट उसके साथ हुआ, जो प्रॉब्लम उसके साथ हुई है, वो सिचुएशन बता रही है। तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ है, आप इस मानस को लेके सेक्शन 9 कर रहे हैं कि यार डीवी 498 मेरी पत्नी करेगी तो मुझे सेक्शन 9 कर देना चाहिए, तो ये भाई साहब आपके माइंड में गलत फहमी है, बिल्कुल रॉन्ग गलत फहमी है, माइंड से निकाल दीजिए। ये रियलिटी है भैया, निकाल दीजिए इस चीज़ को। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि भाई मैं सेक्शन 9 करूँगा और मेरी पत्नी 498 केस मुझ पर नहीं कर पाएगी, नहीं भैया, क्योंकि सेक्शन 9 एक सिविल केस गया ना। सेक्शन 9 का आपको एडवांटेज मिलेगा मेंटेनेंस केस में ओनली 4, क्योंकि सिविल केस मेंटेनेंस होता है, डिवोर्स में भी मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन डीवी और 498 केस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 9 का। अगर आप सेक्शन 9 ये सोच के कर रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझ पर 498 केस नहीं करेगी, तो ये गलत फहमी है आपकी। अगर आपको कोई वकील एडवाइस दे रहा है तो भी गलत फहमी है भैया, सेक्शन 9 से आपका 498 केस बच ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, बिटवीन डिफरेंट यार। डीवी मतलब सेक्शन 9 और डीवी एंड डोरी, तीनों में डिफरेंट है। डीवी एंड डोरी दोनों केस हैं, क्रिमिनल केस होता है, और जो आपका सेक्शन 9 है वो एक सिविल केस हो गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे भैया? सेक्शन 9 करोगे ना, तो गलत फहमी आप मत करिए सेक्शन 9। उस सिचुएशन में आपको कुछ और करना पड़ेगा, अलग वीडियो बनाऊंगा मैं भाई, आप कैसे बच सकते उससे, उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। सेक्शन 9 होता है वो बर्बाद दिखा है। अब सेक्शन 9 आप करते हो ना, मैं आपको क्लियर और बात बताता हूँ, अगर आप सेक्शन 9 कर रहे हो ना, उस सिचुएशन में क्लियर बता देता हूँ आपको कि सेक्शन 9 करते आपकी पत्नी 498 या डीवी 100 या 125 100% करेगी, डीवी या 125 कंबाइंड में करेगी, दो केस तो आएंगे साथ साथ, क्योंकि अगर 125 आएगा तो उसमें रुक सकता है, उसको पता है, अगला उनका वकील बोल देगा इस बात को, भाई 125 आप करोगे ना तो अगला रुक जाएगा केस, नो प्रॉब्लम। लेकिन डीवी 498 होगा तो वो नहीं रुक पाएगा सेक्शन 9 से, फिर तो आपको फेस करना पड़ेगा, डिफाइन करना ही पड़ेगा उस केस को, ये चीज़ माइंड में रख लेना आप लोग। तो अब इससे कैसे बचना, कैसे नहीं बचना, इसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा मैं, आपको मिल जाएगा, जस्ट इसके बाद ही वीडियो आएगा, उसके बाद आप मिल जाएगा, तो उसे डिटेल में आप पूरी तरह देख लेना। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।